बीमा, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी ये योजना सफल हो जाएगी। अब ना गांववासी दुखी होकर नंद के पास पहुंचेंगे, नंद के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। फिर मैं इस समस्या का समाधान निकाल के गांव वालों के मध्य लोकप्रिय हो जाऊंगा। सारे के सारे गांववासी प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे अपना नया नंद स्वीकार कर लेंगे। भानु काका ने उस कुएं में विष मिलाया है। मैंने विष मिलाया है। वृंदावनवासियों की भलाई के लिए एक बात कही तो मैंने ही विष मिला दिया। हे राम, क्या हो रहा है? कैसा समय आ गया है। किंतु भाइयों, मैं सिद्ध कर सकता हूं कि उस कुएं के जल में विष नहीं है। यदि मैंने ये सिद्ध कर दिया कि कुएं के जल में विष नहीं है, तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। बोलो, स्वीकार है चुनौती? हाँ, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है रानु काका। अति उत्तम। अभी सिद्ध हो जाएगा कि कुएं के जल में विष मिला हुआ है या नहीं। आप सबके समक्ष में जल को पीऊंगा और देखिएगा मेरे को क्या होता है। भाइयों, देखा, मैंने जल ग्रहण किया किंतु मुझे कुछ नहीं हुआ। यदि जल में विष होता तो मुझे कुछ ना कुछ अवश्य होता। होता कि नहीं भाइयों? अब बताओ, जल में विष है या नहीं है? वृंदावन के समीप जमुना के जितने भी जलाशय हैं, उन सभी जलाशयों का जल मैंने अपनी मायावी शक्ति से सुखा दिया है। और वृंदावन वासी हमारे जाल में फंस चुके। अति उत्तम गुरुदेव, अति उत्तम। बस एक कार्य और कर दीजिए, उस कुएं के जल में जो विष का प्रभाव है उसे भी नष्ट कर दीजिए। बस समस्या हमारे समक्ष केवल एक ही समस्या है, और वो समस्या है कृष्णा। अब देखो ना, वृंदावन वासियों को कृष्णा पे अटूट विश्वास है, इसी कारण हमारी हर योजना विफल हो जाती है। बस एक बार वृंदावन वासियों के समक्ष ये कृष्णा असत्य सिद्ध हो जाए, उसके बाद हम अपनी योजना का अगला चरण बहुत सरलता से पार कर सकते हैं। देखा खाना, तुमने हम सबको कितना भयभीत कर दिया था। पुत्र, कितनी बार समझाया तुझे कि असत्य बोलकर इस तरह किसी का परिहास करना अच्छी बात नहीं होती है। पुत्र, कब समझेगा तू तो?